अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज का छठा सवाल खातून का है कि जी थक जाते हैं आजकल हम बच्चों को समझा समझा के, लेकिन ये बात ही नहीं सुनते। ये तो सबसे बड़ा इशू है कि हम समझते हैं कि सुनाने से या सुनने से बात सीखी जा सकती है, सुनने से बातें नहीं सीखी जाती। ये हमारी एक लर्निंग और रिटेंशन की पिरामिड है, जो कि पता नहीं कितने 30-35 साल पहले जब हम ट्रेनर बन रहे थे हमें बताई गई थी कि सबसे कम जो रिटेंशन है कि आपने कोई चीज़ सुनी, लेक्चर जिसे आप कहते हैं, लेक्चर आपने सुना तो कुछ ही देर के बाद आपको उस लेक्चर का सिर्फ 5% याद रहेगा। अगर आप किताब पढ़ लें, कोई चीज़ पढ़ें खुद, तो आपको कुछ ही अरसे के बाद, वो टाइम भी है घंटे डेढ़ के बाद, आधे घंटे के बाद, आपको 10% याद रहेगा। अगर आप ऑडियो विजुअल दोनों मैकेनिज्म यूज़ करें, यानी कि आप जैसे इसको आप टेलीविज़न कहते हैं कि आप देख भी रहे हों और सुन भी रहे हों, दोनों चीज़ें अगर आप देख लें तो आपकी रिटेंशन 20% रहती है, यानी कि 80% आप भूल जाएंगे, 20% याद रहे। अगर आपको कोई काम करके दिखाया जाए और आप देख रहे हो, जिसको आप अपनी साइंटिफिक जुबान में लैब्स में डेमोंस्ट्रेशन हो रही होती है, आप किसी को डेमोंस्ट्रेट करें यार कोट ऐसे पहनना है, ऐसे बैठना है, तो जो डेमोंस्ट्रेशन है उससे आपकी जो रिटेंशन है, जो कि हम समझते हैं बहुत बाकियों से बहुत बेहतर है, 5% से आप शुरू हुए हैं सुनने में, डेमोंस्ट्रेशन से 30% 30%। अच्छा, अब आप इसके ऊपर डिस्कशन शुरू करते हैं। आपने कुछ चीज़ सुनी और आपने उस पर डिस्कशन शुरू कर दी, लोगों आपका क्या ख्याल है, आपका ख्याल है, बातें करनी शुरू कर दें, तो जो आपकी रिटेंशन है वो 5% से बढ़ के सीधी 50% पे आ जाती। अच्छा, अब यहाँ तक तो आपने सुन लिया, अब जो आगे है ना अहम चीज़ें, उसको सुनाने से पहले मैं आपको सूत्र असर सुनाना चाहता हूँ। और मैं सूत्र असर इसलिए आपको दोबारा से बताना चाहता हूँ, मैंने कई दफ़ा जिक्र किया कि सूत्र असर भी मैंने काफ़ी काम किया और बड़ी चीज़ों से रिलेट होती है। वलसर इमदर इंसान अलफिकस इल्लल्लज़ीना आमनु, वो लोग जो ईमान लाए। आपने किसी चीज़ को सुना, पढ़ा, देखा, आपने भूल जाना, आपकी रिटेंशन कोई नहीं है। रिटेंशन कहाँ पे है? व आमिलुस सालिहात, यानी कि रिटेंशन उस वक्त आएगी जब आपने कुछ पढ़ा, सुना, देखा और उसके बाद आपने उस पर अमल शुरू कर दिया। और यही कुरान कह रहा है, इदल्लज़ीन आमनु व आमिलुस सालिहात, प्रैक्टिस करो। और ये जो थ्योरी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये थ्योरी ये कहती है कि जब आप किसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं तो जो आपकी रिटेंशन है लेक्चर पे 5% थी, वो 75% पे आ जाती है, 75% आप याद रखेंगे। मैंने आपको बताया कि जनाब गाड़ी ऐसे चलाई जाती है, क्रिकेट ऐसे खेला जाता है, बैट ऐसे पकड़ा जाता है, अगर सिर्फ आपने सुना है तो 5% आपकी रिटेंशन, अभी आपने सब भूल जाना है। या मैं आपको बताऊं खाना ऐसे पकाया जाता है या जनाब मछली ऐसे पकड़ी जाती है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं अच्छा ज़रा पकड़ के दिखाओ, ज़रा खाना पकाओ तो सही, तो आपकी रिटेंशन 5 से पढ़ के एकदम 75 पे आ जाती है। अब आगे सुनिए, आगे सूत्र असर ये कहती है आमिल सालियात के बाद क्या है, व तवासाओ बिलहक, कि अब जब तुम प्रैक्टिस कर लो तो क्या करो, व तवासाओ बिलहक, अब तुम हक बात की, सच बात की जो तुमने किया है अब इसकी तलकीन भी करो। और इस मॉडल में इस वर्ड को व तवासाओ बिलहक को टीचिंग अदर्स का नाम दिया गया है। आपने सुना तो 5% रिटेंशन थी, आपने पढ़ा तो 10% रिटेंशन थी, आपने सुना भी और देखा भी तो 20% रिटेंशन थी, आपने काम होते हुए देखा तो 30% रिटेंशन थी, आपने उसके ऊपर डिस्कशंस की तो 50% डिस्कशन रिटेंशन थी, आपने इस पर अमल करना शुरू कर दिया तो 75% आपकी रिटेंशन है,
यानी कि आप उसको याद रखेंगे। अगर आपने इस पर पढ़ाना लोगों को शुरू कर दिया तो 90% रिटेंशन है। तो ये तो मॉडर्न थ्योरी है, ये 1400 साल पहले अल्लाह ने आपको इशारा दिया ही, वो नहीं हमें समझ आई। इसीलिए आज मैं खिलाफ हूँ इन चीज़ों के। मैंने कई दफ़ा कहा है, मैं लोगों से कहता नहीं हूँ यार, अगर ज़िंदगी लेक्चरों से बदलनी होती ना, आप सोचें आज के दौर में, पता नहीं, मेरा ख्याल है बिलियंस के हिसाब से तो आपके YouTube के ऊपर क्लिप्स होंगे, कितने लर्निंग के फोरम से आपके पास वीडियो बन बन के लोग पागल हुए हैं, भेजी जा रहे हैं। आज से 30 साल पहले कुछ नहीं होता था, किताबें होती थी, लेकिन क्या उस वक्त लोग नहीं सीखते थे? उस वक्त भी सीखते थे, कैसे सीखते थे? तो आज हम वीडियो क्लिप देख के ये समझते हैं हम बहुत एडवांस हो चुके हैं और ये बहुत अच्छा तरीका है। तो मैंने आपको बता दिया वीडियो क्लिप की रिटेंशन क्या है, 20%। ये जो मैं आप बोल रहा हूँ ना, आप में से 90% लोगों को कल ये याद भी नहीं रहना मैंने क्या बोला था, और आपने फिर हफ्ते बाद सवाल मुझसे वही पूछना जब इसका जवाब दे चुका हूँ। वजह ये कि ना आप इसको प्रैक्टिस करते हैं और ना ही आपने इसको किसी को पढ़ाना है। और हुक्म यही है कि टीच करने से पहले प्रैक्टिस करो, यानी कि आप किसी चीज़ को, मैंने आपसे खुराक का जिक्र किया, आपने सुन लिया, इसमें से कितने लोग हैं जो इस पर ईमान लेकर आए होंगे? ईमान वही लेकर आएगा जिसने मेरी बात सुनी और उसके बाद उसने इस पर अमल शुरू कर दिया, तो उसको भी लगेगा वाकई यार मैंने अपने बच्चों का ये खाना छुड़वा दिया तो वाकई उनके अंदर ये फ़र्क आया, यार मैंने ये एहतियात की तो यार ये हो गया। तो क्या हुआ, प्रैक्टिस किया, अब वो जो मेरी बात सुनी सुनाई थी अब वो इसकी बात होगी, इसने खुद देखो यार मैंने देखा, मेरे साथ हुआ, मैंने सुना नहीं सिर्फ। इसलिए कहा जाता है सुनी सुनाई बात को बगैर टेस्ट किए, तहकीक किए, तहकीक का लफ्ज़ है लेकिन अहादीस में, लेकिन टेस्ट करने का बेसिकली तहकीक यही है कि जी यू हैव टू ऑथेंटिकेट इट कि मैंने किया भाई, तो यही बजाते खुद झूठा होने के लिए काफ़ी है। तो हम तो अक्सर कहा ऐसे क्लिप आता है इसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, क्लिप सुन सुन के हम समझते हैं हम पता नहीं कितने आलम फाजिल हो गए हैं। तो जनाब किसी चीज़ को सुन लें, अच्छी बात है, क्लिप ने अपना काम कर दिया लेकिन इसने कुछ नहीं किया, जो इसने कहा है इस पर अमल कीजिए और इसको अमल करने के बाद इसको फिर आगे से लोगों को पढ़ाएं तो ये इल्म कहीं भी नहीं जाएगा, ये फिर अब आपका इल्म है, ये रिटेंशन आपकी 90-100% होगी, इससे भी ज़्यादा हो सकती है। तारीख गवाह है कि ऐसे ऐसे शागिर्द गुजरे हैं जो अपने उस्तादों से आगे निकल गए, क्योंकि आपको सोचें ना, अगर ये मॉडल जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मॉडल ना होता तो फिर जो आगे खड़ा था वो हमेशा आगे खड़ा रहता, उस्ताद उस्ताद ही रहता। लेकिन ये तो पॉसिबिलिटी है ना कि उस्ताद ने प्रैक्टिस किया फिर उसने पढ़ाना शुरू कर दिया फिर उसकी उम्र हो गई अब उसने प्रैक्टिस करना कम कर दिया, ऐसा होता है ना। फ़र्ज़ करें मैं 15 साल की उम्र से गाड़ी चला रहा हूँ और आप मुझसे आगे पूछेंगे जनाब, मैं कहते जी मेरा तो 30 साल का तजर्बा है जी गाड़ी चलाने का, तो आप कहते हैं ओ, तो क्या इसका मतलब ये है कि आप जो 15-20 साल वाला, जिस बच्चे की उम्र ही 15 साल है, जिसने अभी 5 साल से गाड़ी चलानी शुरू की है, वो सारी ज़िंदगी मेरे पीछे ही रह गया, मेरे से आगे नहीं जा सकता, ये तो फिर ज़्यादती हो जाती। तो होता क्या है, फ़र्ज़ करें मैं 30 साल किससे गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैंने काम छोड़ दिया, तो मेरी रिटेंशन कम होनी शुरू हो जाएगी, मेरा कम होना शुरू हो जाएगा। और अगर वो 5 साल में या 10 साल में मुझसे ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा है, मैं 2 घंटे गाड़ी चलाता था वो 10 घंटे चला रहा है, तो इसी तरीके से कई ऐसे शागिर्द हैं जो अपने उस्तादों से आगे चले जाते हैं। और ये अल्लाह का जस्टिस का निज़ाम है, नहीं तो ये अगर ये ना होता तो फिर किसी को मोटिवेशन ही ना होती कि यार मैं तो इससे आगे कभी निकल ही नहीं सकता। तो ये प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, लेकिन प्रैक्टिस करें ताकि आप उस टीचिंग को, क्योंकि प्रैक्टिस प्री रेक्विजिट है, अमल किए बगैर आपको लेसन्स नहीं मिलता कि आपकी आवाज़ में असर ही नहीं होगा, आप किसी को परसुएड ही नहीं कर पाएंगे। ये ऐसी बात यह है कि आपके लोगों से कहें कि जनाब गाड़ी बड़ी अच्छी है, गाड़ी चलानी चाहिए,
और लोग आपसे पूछेंगे आपने कभी गाड़ी चलाई, आप कहीं मैंने कभी नहीं चलाई, लेकिन मैंने सुना गाड़ी ऐसे चलती है, मैंने सुना स्विमिंग ऐसे होती है। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो खुद नौकरियाँ करते हैं, मुलाजमतें करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहे होते हैं। मुझे हैरानगी होती है ये जो लोग पढ़ने वाले भी हैं ये कौन है जो इनसे पढ़ने जाते हैं कि भाई जान आपने तो सारी ज़िंदगी खुद मुलाजमत की, आप मुझे एंटरप्रेन्योरशिप क्या पढ़ा रहे हैं। तो अब आप सोचें ना, ये तो तमाशे वाली बात ही है ना, ये कि आपने काम कभी किया नहीं और आप लोगों को पढ़ा रहे हैं कि जनाब ये काम तो ऐसे होता है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी जिनकी अपनी शादी नहीं हुई और वो मैरिज काउंसलर है। तो आप सोचें तो ये तो आप लोगों को एजुकेट होना चाहिए कि आपने किससे, मेरा ख्याल है अपने हजरत उम्र का कॉल है, आई कैन बी रॉन्ग, मैंने अब इतना कुछ पढ़ते हैं कि बात हो याद भी नहीं रहते रेफरेंसेस, कि आपने किसी से सहाबी से पूछा भाई तुमने कितना सुना है कि तुम पूरा तुमने कुरान हिफ्ज़ कर लिया है, बड़ी बात है भाई। तो उसने पूछा जी आपने कितना, वो सोच रहा होगा हज़रत उमर खलीफा आपने पता नहीं कितने कुरान हिफ्ज़ किए होंगे, तुमने कहा भाई मैं तो सूरतुल बकरा से आगे नहीं जा सका। उसने कहा जी वो कैसे, उसने कहा जी ये तो हुक्म है, हम तो पहले पढ़ते हैं फिर सीखते हैं फिर उसके ऊपर अमल करते हैं, तो अमल करते करते तो भाई अभी तो हम तो सूरतुल बकरा भी नहीं पहुँचे। तो यही बात है। वैसे आप कहें जी मैंने पूरी दुनिया की किताब पढ़ ली है, तो अगर अमल कुछ नहीं किया तो फिर अल्लाह ही ख्याल करे उसमें से आपके पास दिमाग में कितना होगा। तो ये जो ये स्पीडें शुरू होगी ना हमारी, बस हम शॉर्टकट्स के अंदर की करते हैं, ये बस शॉर्टकट, जितना कहते हैं जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। तो जितना गुड़ आप डाल रहे हैं 20 मिनट में एक लेक्चर सुन के, फिर जितना गुड़ डाला है उस 20 मिनट के बाद जो रिटेंशन उसका जो ज़िंदगी में आपको फ़ायदा भी उतना ही होना है। तो ये बातें यानी कि कई लोग खुद भी नहीं बताते क्योंकि उनके अपने ही मैसेज के अगेंस्ट होती है। मैं तो आपको सच बता रहा हूँ भाई, ऐसे ही है, अच्छा लगता है बुरा लगता है, दिस इज़ हाउ द लाइफ इज़, सच बताना सच सुनना। अक्सर कार लोग बताते भी नहीं, बट दिस इज़ द ट्रुथ। क्योंकि अक्सर कार आप देखें ना, एक आदमी कुछ पढ़ा रहा है, अगर आपको ऑडियंस को वो एजुकेट कर दे तो ऑडियंस अगर सही सवाल पूछना शुरू कर दें तो आधे से ज़्यादा मेरा ख्याल 80% तो टीचर ऐसी दुकानें बंद उनकी हो जाएं। जब लोग उनसे पूछना शुरू करें जनाब आप ये पढ़ा रहे हैं आपने बताएं आपने क्या कितने कामयाबियाँ ली हैं, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। तो जब आप बच्चों को इसलिए थक रही हैं पढ़ा पढ़ा के कि बच्चे पढ़ने से नहीं सीखते, आप उन्हें डिस्कशनें करें, उन्हें करके दिखाएं। देखें नंबर एक, आपने लेक्चर उनको दे दिया या बच्चों ने लेक्चर सुन लिया, कख नहीं सुना, आपने उनको स्कूल में भेज दिया, आपने मदरसे में भेज दिया, उस्ताद की बात सुन के आएंगे, बाहर निकल के देखें आप वो तूफान के आके टोटली उल्टा कर रहे होंगे, क्योंकि यही थ्योरी कह रही है कि 5% रिटेंशन है कुछ ही मिनट के बाद, 95% भूल चुके होंगे जो सुनेंगे, लेकिन अगर पढ़ेंगे तो 10% याद रहेगा। अगर वो देखेंगे ऑडियो विजुअल प्रोग्राम कोई तो फिर उनको 20% रहेगा, डेमोंस्ट्रेशन देखेंगे माँ बाप को करता हुआ देखेंगे तो 30% होगा। अब माँ बाप कर भी रहे हैं और उसके ऊपर आप लोग डिस्कशनें भी कर रहे हैं, बेटा आपने देखा बाबा नमाज कैसे पढ़ते हैं, बेटा आपने देखा अंकल आए थे बाबा ने कैसे उनसे मिला, बेटा आपने देखा अम्मी ने कैसे प्लेटें रखी कैसे सर्व किया किसी को, आप उनको डेमोंस्ट्रेट कर रहे हैं और उसके ऊपर आप डिस्कशन कर रहे हैं तो 50% आपकी रिटेंशन है। तो और बच्चे खुद फिर आगे आप उनको अप्रेंटिसशिप पे डाल दें, अच्छा बेटा अब तुमने ये करना है अगले साल कोई मेहमान आएगा, तो जब उन्होंने करना शुरू किया तो साथ ही 50 से सीधा 75% फिर उनकी रिटेंशन चली गई। और उसके बाद अगर वो दूसरों को भी पढ़ाना शुरू कर दें अपने बहन भाइयों को, देखा ये नहीं करना बेटा ऐसा नहीं करना, आपको पता है भाई ऐसा नहीं करेंगे, बहना ऐसे नहीं करेंगी, अम्मी ने ऐसे कहा था वैसे कहा था, तो जब वो दूसरों को पढ़ाना शुरू कर देंगे तो उनकी अपनी चीज़ें और एम्बेड होती चली जाएंगी। दूसरा, दूसरे के जो लेक्चर दे रहे हैं वो लेक्चर जो लेक्चर ले रहा है उसके लिए रिटेंशन 5% है, लेकिन जो दे रहा है अमल करने के बाद लेक्चर उसकी अपनी रिटेंशन 90% है। मेरी मजबूरी है कि मैं लेक्चर दूं अपनी 90% रिटेंशन के लिए, ये आपके ऊपर क्या असर कर रही है, या आपके ऊपर 5% असर कर रही है, समझ आइए कहानी की हो क्या रहा। आपके लिए मेरा ये लेक्चर 5% ही होगा,
लेकिन मेरी जो इल्म है, एक तो ये कि मेरी तरफ से रिकॉर्ड हो जाएगा सदका है कि लोगों की शायद ज़िंदगी बदल सके, दूसरी तरफ ये है कि जो मेरा, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, ये जो मैं क्लासें ले रहा हूँ, ये जो लोगों को मैं ट्रेन कर रहा हूँ, मेरी अपनी रिटेंशन के लिए ये 90% मेरा, तो मैं भी भूल जाऊँ शायद। तो दिस इज़ हाउ दिस मॉडल गोज। तो बच्चों को, ये बड़े पुराने मॉडल्स हैं सीखने और सिखाने के, इनको अमल करें और ज़बानों से, लड़ाइयों से, गुस्से में आके लेक्चर ना सुनवाई जाएँ, उनको वो माहौल दें, उनको वो मॉडल दें, फिर देखें बच्चे कैसे सीखते हैं। जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूछो और जानो कि ये सेशंस आपकी पुरजोर गुजारिशों पे शुरू किया गया था। हमारी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुँचाएँ और सदका जारिया में शरीक हों। क्या पता आपकी इस शेयर करने से कितने घर उनके हालात बदल सकते हैं और आप सदका जारिया का हिस्सा बन सकते हैं। जज़ाकअल्लाह खैर।